हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन। और जल्दी से आप लोग हमारे अनअकैडमी गेट मैकेनिकल इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको एवरीडे काफी कुछ मिलने वाला है और यहाँ पर हम लोग आते रहेंगे और आपको एवरीडे कुछ ना कुछ मटेरियल डिलीवर करते रहेंगे। ये हम लोगों की 8, 9, 10 लोगों की, अभी एक और भी सर ऐड होने वाले हमारे साथ, बहुत ही धुरंधर, बहुत ही नाम है उनका इंडिया भर में। एक तो वैसे ही हमारी टीम जो है वो देवेंद्र सिंह नेगी जैसे इंडिया के टॉप के एजुकेटर्स की लीडरशिप में हमारी टीम रन कर रही है, और उसी के साथ साथ और भी कुछ बड़े बड़े एजुकेटर्स हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको हम लोग ऐसी ऐसी मटेरियल लेकर के आएंगे जिससे कि आपका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको फायदा पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं, चीजों को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स मेरा ब्रीफ प्रोफाइल, और मेरा, अगर आप प्लस पे कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे नाम से दो कोड असाइन है, एक है सर्वेश 10 और एक दूसरा कोड है सर्वेश 11। इन दोनों में से कोई भी कोड आप यूज कर सकते हो, कोई भी एक ही कोड यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड नहीं, यहां पर और होना चाहिए था, थोड़ा गलती हो गई है, और होना चाहिए, एक ही कोड यूज करना है और एक ही कोड पे आपको डिस्काउंट मिलेगा 10%। दोनों पे ही 10% का मिलेगा, ऐसा नहीं कि दो कोड चढ़ा दूं तो 20% मिल जाए, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, एक ही कोड पे मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। ओके फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेटल फॉर्मिंग। ओके, मेटल फॉर्मिंग में देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, मेटल फॉर्मिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिजायर्ड शेप और साइज जो होता है प्रोडक्ट का डिजायर्ड शेप एंड साइज ये कैसे अचीव करते हैं, ये हम लोग अचीव करते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल से ये चीज कराने पर हमें डिजायर्ड शेप एंड साइज मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, डिजायर्ड शेप एंड साइज मिलता है। अब इसमें क्या है कि यहां पर ये जो काम हम लोग कराते हैं, यहां पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करते हैं, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने रॉ मटेरियल के ऊपर, जिससे कि इन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ये हमारा जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। यहां पर जनरली तो हम लोग कंप्रेसिव लोडिंग अप्लाई कराते हैं, कभी कभी वायर ड्राइंग जैसी कुछ चीजें हैं जहां पर हम लोगों को थोड़ा टेंसाइल लोड अप्लाई कराते हैं, अदरवाइज तो मैक्सिमम केसेस में तो हमें कंप्रेसिव लोड से ही काम चलाना होता है। अगर देखें मेटल फॉर्मिंग के, हम लोग देखें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, अगर देखें तो रोलिंग, एक्सट्रूजन, रोलिंग हो गया, एक्सट्रूजन हो गया, और क्या है, और है यहां पे हमारे पास फोर्जिंग है, फोर्जिंग के अलावा ड्राइंग है, और इसी के साथ साथ शीट मेटल ऑपरेशंस भी यहां पर इसी मेटल फॉर्मिंग का हिस्सा होते हैं।
ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम लोग वन बाय वन करके सारी चीजों को देखेंगे, थोड़ा इनका एक क्विक रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिक्स देख लेते हैं मेटल फॉर्मिंग के, बेसिक्स देख लेते हैं, बेसिक्स ऑफ मेटल फॉर्मिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेटल फॉर्मिंग की जो ऑपरेशन है, ये कोई भी ऑपरेशन किस टेम्परेचर पे की जा रही है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। ओके, कोई भी ऑपरेशन किस टेम्परेचर पर की जा रही है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। यहां पर एक टेम्परेचर है जिसे हम लोग कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ओके, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का मेटल फॉर्मिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि जो भी प्रोसेस रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर में की जाती है उसे हम लोग कहते हैं हॉट फॉर्मिंग की प्रोसेस, और जो भी प्रोसेस रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से लोअर में की जाती है उसे हम लोग कहते हैं कोल्ड फॉर्मिंग की प्रोसेस। ओके, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, यहां पर अगर हम लोग इसके टाइप्स देखें, अगर इसका क्लासिफिकेशन करें, तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो क्लासिफिकेशन आते हैं, कोल्ड फॉर्मिंग और एक दूसरा हॉट फॉर्मिंग। ठीक है, कोल्ड फॉर्मिंग और हॉट फॉर्मिंग ये दोनों ही हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर करते हैं। ओके, इन दोनों को हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है। आगे आइए देखते हैं क्या होता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। देखिए क्या होता है, जब भी हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट आने से बहुत पहले, यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट का 1/3 से 1/2 होता है, 1/3 टू हाफ ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल, फ्रेंड्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल का 1/3 से हाफ तक जब पहुंचते हैं तभी आ जाता है एक रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आता है। इस पर देखो होता क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे जनरली जो बॉडी है, जनरली जो मटेरियल है, वो अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को चेंज करता है। ओके, आप लोग मटेरियल साइंस में पढ़ोगे BCC, FCC, HCP, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं वहां पर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक या सिंपल क्यूबिक, या फिर कभी कभी हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग भी पढ़नी होती कहीं कहीं पे एडवांस लेवल पे। तो आप लोग जब ये पढ़ते हो, ये अलग अलग जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं, यही क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होते हैं टेम्परेचर के हिसाब से। ओके, तो जब भी मैं किसी बॉडी को गर्म करता हूँ तो उसका एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट आने से बहुत पहले ही, जो उसका लगभग 1/3 से 1/2 ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है, वहीं पर, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है मेरे पास, कोई मटेरियल है, किसी मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट लेट अस सपोज, अगर हमने मान लिया 1500 डिग्री सेल्सियस है। ओके,
तो उसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहाँ पे आएगा, 1/3 का मतलब 500 से हाफ मतलब कि 750। जनरली एक सिंगल वैल्यू अगर देखनी हो तो सिंगल वैल्यू 40% के आसपास मानी जाती है, यानी कि 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आएगा। और 600 से ऊपर अगर हम लोग वर्किंग करा रहे हैं, 600 से ऊपर अगर वर्किंग करा रहे हैं, 800, 900, 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रोलिंग करा रहे हैं या फोर्जिंग करा रहे हैं या एक्सट्रूजन करा रहे हैं, तो अगर ऊपर में करा रहे हैं 600 से ऊपर, 800 या 1000 डिग्री सेल्सियस पे करा रहे हैं, तो वो कहलाएगा हॉट एक्सट्रूजन या हॉट रोलिंग या फिर हॉट फोर्जिंग। ओके, वहीं अगर ये काम हम लोग अगर 300, 400 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं, तो भले ही 300, 400 डिग्री सेल्सियस भी अच्छा खासा टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर से काफी ज्यादा होता है, लेकिन इतने टेम्परेचर पर बॉडी, इतने टेम्परेचर पर जो बॉडी है वो बॉडी कैसा बिहेव करेगी ये कोई नहीं जानता है। और इतने टेम्परेचर पर बॉडी नहीं, ये इतने टेम्परेचर जो कोई नहीं जानता, ये मैंने वर्ड गलत बोल दिया। इतने टेम्परेचर पे बॉडी भले ही गर्म हो गई है, लेकिन ये जो वर्किंग है, ये जो फॉर्मिंग है, ये फॉर्मिंग कहलाएगी कोल्ड फॉर्मिंग। ओके, 250, 300, 400 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से अच्छा खासा नीचे है, यहां पे अगर हम लोग कोई करा रहे हैं, कोई अगर हम लोग फॉर्मिंग कराएंगे, तो वो फॉर्मिंग कहलाएगी कि वो फॉर्मिंग आपकी कोल्ड फॉर्मिंग कहलाएगी। ओके, तो हॉट फॉर्मिंग का मतलब देखिए, चाहे हॉट फॉर्मिंग लिखा हो चाहे हॉट वर्किंग लिखा हो, दोनों एक ही चीज होती है। Above than recrystallization temperature, वही कोल्ड फॉर्मिंग या कोल्ड वर्किंग का क्या मतलब है? बिलो देन रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ओके, तो देखिए होता क्या है, कोल्ड वर्किंग जब हम लोग कराते हैं, कोल्ड वर्किंग के भी अपने अलग अलग फायदे नुकसान हैं, हॉट वर्किंग के भी अपने अलग अलग फायदे नुकसान हैं। कोल्ड वर्किंग में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, कोल्ड वर्किंग में कोल्ड वर्किंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कोल्ड वर्किंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये कोल्ड स्टेट में कराते हैं हम लोग, इसीलिए किसी भी ऑक्साइड के फॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं मिलता है, नो ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, और नो ऑक्साइड फॉर्मेशन होने की वजह से सरफेस फिनिश अच्छी मिल जाती है। ओके, सरफेस फिनिश आपको अच्छी मिल जाती है। सरफेस फिनिश अच्छी मिल जाती है। ओके, यहां पर हमें अब ये सरफेस फिनिश और डायमेंशनल एक्यूरेसी मैं पहले ही बता चुका हूं, ये दोनों करण अर्जुन जैसा इनका साथ रहता है। जहां पर सरफेस फिनिश अच्छी, वहां पर डायमेंशनल एक्यूरेसी भी अच्छी मिलेगी आपको। ओके, ये एडवांटेज आ गया। इसी तरीके से चूंकि ठंडा होता है, रिलेटिवली टेम्परेचर कम है, 250, 300 डिग्री सेल्सियस, 250, 300 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, 250, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है, ये आपका 800, 900, 1000 के कंपेरिजन में काफी कम होता है। तो ये इतना कम होता है कि इस पे हम लोग बड़ी आसानी से मटेरियल को हैंडल कर सकते हैं, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ओके, इजी टू हैंडल
ऑब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये तो हो गया एडवांटेज, कोल्ड वर्किंग एडवांटेज। हो गया डिसएडवांटेज, देख लीजिए डिसएडवांटेज, देखिए डिसएडवांटेज में क्या आता है, डिसएडवांटेज में आता है कि जो ब्रिटल मटेरियल्स हैं उनकी कोल्ड वर्किंग कराने में नानी याद आ जाती है, बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, बहुत ज्यादा फोर्स प्रोवाइड कराना पड़ता है, ओके। और कोल्ड वर्किंग में, कोल्ड वर्किंग जो है वो लार्ज साइज कंपोनेंट्स का आप कोल्ड वर्किंग ढंग से नहीं करा पाओगे, जो डिफॉर्मेशन आपको मिलेगा वो लिमिटेड डिफॉर्मेशन मिलेगा, ओके। यहां पर ब्रिटल मटेरियल्स के लिए सुटेबल नहीं होता है, नॉट सुटेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल्स, ओके। उसके बाद साइज भी लिमिटेड होता है, ओके, साइज भी लिमिटेड होता है। उसके बाद फिर आपके पास साइज भी लिमिटेड है और जो अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करा रहे हो वो भी लिमिटेड है, ओके। ये सब कुछ चीजें, तो ये आ गई आपके पास कोल्ड वर्किंग। अब अगर देखा जाए हॉट वर्किंग, अगर देखें हम लोग हॉट वर्किंग में देखें, तो हॉट वर्किंग का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग अच्छा खासा ये हाफ ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर पर जब हम लोग कोई ऑपरेशन कराते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं हॉट वर्किंग। हॉट वर्किंग के एडवांटेज क्या हैं? हॉट, देखिए हॉट वर्किंग के एडवांटेज क्या है कि आपको बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है नेसेसरी डिफॉर्मेशन अचीव कराने के लिए, और जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं उनकी भी आप बड़ी आसानी से उनकी भी डिफॉर्मेशन करा सकते हैं, लेस फोर्स रिक्वायर्ड और Even brittle materials can also be hot worked. Even brittle materials can also be hot worked. जबकि disadvantage में देखें तो disadvantage क्या होता है? Disadvantage ये होता है कि मेटल का, अब देखिए वहां पर जो एडवांटेज था ये यहाँ डिसएडवांटेज हो जाएगा, और यहाँ पे जो डिसएडवांटेज था वो यहाँ एडवांटेज हो जाएगा। कि देखिए एडवांटेज क्या था, वहां पर नो ऑक्साइड फॉर्मेशन होता था, अब यहाँ पर हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा, ऑक्साइड फॉर्मेशन वहां नहीं होता था तो सरफेस फिनिश अच्छी मिलती थी, यहां पर ऑक्साइड फॉर्मेशन होने की वजह से पुअर सरफेस फिनिश मिलेगी। ओके, वहां पर सरफेस फिनिश अच्छी मिलती थी तो बेटर डायमेंशन एक्यूरेसी मिलती थी कोल्ड वर्किंग में,
यहां पर आपको इनएक्यूरेट या फिर पुअर डायमेंशनल एक्यूरेसी मिलेगी। और वहां पर कोल्ड वर्किंग में वर्क पीस को हैंडल करना या ट्रांसपोर्ट करना इजी होता था, यहां पर टेम्परेचर काफी हाई होता है, इसीलिए वर्क पीस को हैंडल करना या ट्रांसपोर्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग का थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया। अब देख लेते हैं हम लोग रोलिंग के बारे में। रोलिंग क्या होती है और किस तरीके से हम लोग यहां पर रोलिंग के बारे में क्या क्या डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे यहां पे हमारे डिस्कशन में, ठीक है ना फ्रेंड्स। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए रोलिंग क्या है, रोलिंग में क्या होता है, ये डिफॉर्मेशन की एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि हमारे वर्क पीस एंट्री करता है, एक साइड से एंट्री करता है, ज्यादा थिकनेस वाला वर्क पीस एक साइड से एंट्री करता है, दूसरे साइड से कम थिकनेस लेकर के बाहर निकलता है। ओके, लेट अस सपोज ये H1 थिकनेस का वर्क पीस यहां पर एंट्री किया, ये दो रोलर्स अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो ये जब तक बाहर निकलता है तब तक इसकी थिकनेस H2 हो चुकी होती है। ओके, तब तक इसकी थिकनेस H2 हो चुकी होती है, तो यहां पर हमें क्या करना होगा, यहां पर एक बात का बहुत खास ख्याल रखना होता है, यहां पर एक बात का बहुत खास ख्याल रखना होता है, यहां पर कुछ एजम्पशंस रहते हैं। एजम्पशन, एक सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन क्या रहता है कि जो वर्क पीस जो एंट्री कराया जा रहा है इसकी जो विड्थ है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। Width of workpiece remains constant, okay? Entry के पहले भी और entry के बाद भी workpiece की width constant रहती है। तो आपने एक side, अब देखिए volume भी constant है, यहां पे कोई material chip वगैरह तो कट के निकल नहीं रहा है, कोई material, कोई chips के format में कोई material कट के तो निकल नहीं रहा है, तो जितना मटेरियल आपने एंट्री कराया है वो उतना पूरा का पूरा मटेरियल एग्जिट होगा, वो उतना पूरा का पूरा मटेरियल एग्जिट होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो अगर आप ये मान लो L1 B1 H1 इक्वल टू ये वॉल्यूम इन इक्वल टू वॉल्यूम आउट है, तो L1 B1 H1 इक्वल टू L2 B2 H2 होगा। अब चूंकि विड्थ रिमेंस कांस्टेंट है, विड्थ आपकी कांस्टेंट है, विड्थ में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, तो B1 B2 एक बराबर रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, तो B से B आपका कैंसिल हो जाएगा।
बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो अगर इसी को आप फिर अभी पर यूनिट टाइम भी कर ले, जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में एंट्री हुआ उतना ही वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में एग्जिट हुआ, ओके। तो इसको हम लोग L1 बाई टाइम को लिख सकते हैं, V1, और H1 तो है ही हमारे पास, V1H1 इक्वल टू V2H2, ये आ गया मेरे पास। तो अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं V1 बाई V2 इक्वल टू H2 बाई H1। और मुझे पता है कि हर हाल में रोलिंग के बाद H2 कम हो जाएगा H1 से, यानी कि H2 बाई H1 हो गया मेरे पास लेस देन वन, तो ये V1 बाई V2 भी लेस देन वन ही हो जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं V1 इज लेस देन V2, ओके। यहां पर ये जो वेलोसिटी है V2, और यहां पर ये जो वेलोसिटी थी V1, एंट्री की वेलोसिटी V1 कम होगी, एग्जिट की वेलोसिटी V2 ज्यादा होगी, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, एंट्री की थिकनेस ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है, एग्जिट की थिकनेस कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है, ओके फ्रेंड्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है, इनके ऊपर कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अक्सर बनते रहते हैं, ओके। इनके ऊपर कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अक्सर बनते रहते हैं, मैकेनिक्स ऑफ रोलिंग में क्या होता है डियर फ्रेंड्स, मैकेनिक्स ऑफ रोलिंग में क्या करते हैं हम लोग, मैकेनिक्स ऑफ रोलिंग में क्या करते हैं, अभी फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ये ढंग से काम नहीं कर रहा है, ये जो पेन है ये ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए उतना सुंदर डायग्राम नहीं बन पाएगा। देखिए क्या होता है, ये हमारे पास ये रहता है रोलर, ये रोलर रहता है जो कि कुछ इस तरीके से घूम रहा होता है, ओके। एक रोलर ऊपर रहता है, एक रोलर नीचे रहता है, एक रोलर ऊपर रहता है, एक रोलर नीचे रहता है, इन दोनों का सेंटर पॉइंट जो होता है ज्वाइन करता है। अभी क्या है कि यहां ए से लेकर के बी तक की, ए से लेके बी तक ये जो कांटेक्ट बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं, इस जो आर्क है ए बी, इस आर्क ए बी को हम लोग लेंथ ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, ओके। इस आर्क ए बी को हम लोग लेंथ ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, ओके। लेट अस सपोज हमने क्या किया, इस पॉइंट को मान लिया M,
इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी। ओके फ्रेंड्स, तो क्या होता है, ये जो देखिए बेसिकली यहां पर आपको चीजें दिख रही हैं बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है कि एक बार में आपने कुछ 20 mm का घुसाया, 20 mm की थिकनेस वाला वर्क पीस एंट्री कराया और वो जब बाहर निकला तो 18 mm का बाहर निकला। ओके, तो ये जो लेंथ ऑफ कॉन्टेक्ट रहता है और ये इतनी जो लेंथ रहती है, दोनों एक बराबर ही रहती हैं, लगभग लगभग रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। तो ये जो आर्क ए बी है एक्चुअल में लेंथ ऑफ कॉन्टेक्ट क्या था, वो था आर्क ए बी जो कि लगभग लगभग बराबर है ए एम के। ओके, लगभग लगभग बराबर है ए एम के। अब ट्रायंगल ए एम सी में आप देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 है और ये भी 90 है। अभी क्या होता है फ्रेंड्स, अभी क्या होता है कि अगर आप इसको अगर आप इसे इस एंगल को आप मान लो अल्फा, मान लो इस एंगल को अल्फा मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस अल्फा। ओके, ये हो गया 90 माइनस अल्फा। अब यहां पर क्या होता है कि किसी भी आर्क, जैसे यहां पर क्या, किसी भी सर्किल में आप एक डायमीटर के अलोंग जब भी कोई परपेंडिकुलर लाइन खींचते हो तो सर्किल में जो डायमीटर होता है वो उस परपेंडिकुलर लाइन को हाफ हाफ में डिवाइड करता है। ओके, हाफ हाफ में डिवाइड करता है, हाफ हाफ में डिवाइड करता है। तो क्या होगा, थोड़ा मैं एक बड़ा सर्किल बना लेता हूं, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला क्या हो गया, ये हो गया 90 माइनस अल्फा। अभी क्या है कि ये अगर 90 है तो ये भी 90 हो गया। ओके, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है M। अब आप देखिए इन दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल AMB और ट्रायंगल CMB, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों में ही क्या हुआ, इन दोनों में ही AM इक्वल टू CM हो गया है। पहली बात तो इन दोनों में ही देखिए, तीन चीजें अगर बराबर हो जाएं तो सिमिलर ट्रायंगल बन जाता है, AM इक्वल टू CM हो गया, और दोनों में ही MB इक्वल टू MB कॉमन है, और दोनों में ही हमारे पास एक एंगल ए एम बी इक्वल टू एंगल सी एम बी 90 डिग्री दिया हुआ है। तो दो साइड एक बराबर हो गई और एक दो एक एंगल बराबर हो गया, यानी छह में से तीन साइड तीन एंगल में से तीन चीजें अगर बराबर हो गई तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो गए। अब जब ये आपका यहां पर ये जब आपके पास अल्फा है तो ये भी हो जाएगा अल्फा। ओके, अब आप देखो, अब आप देखो क्या ये बी बी डी जो है, यहां बीच में ओ है, बी एम ओ डी, बी एम ओ डी क्या है, इस सर्किल का ये एक डायमीटर है, यानी दो हाफ सर्किल बट रहे हैं। अब होता क्या है, किसी भी हाफ सर्किल की प्रॉपर्टी होती है कि आप उसके एंड पॉइंट से
सर्किमफेरेंस पे एक एंगल बनाइए तो 90 डिग्री का बनता है। अब ये अगर 90 है और ये वाला अल्फा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, और ये 90 माइनस अल्फा है तो ये हो जाएगा अल्फा। ओके, अब यहां पर एक एंगल ये आ गया, एक यहां पर भी ट्रायंगल मैं बोल रहा हूं, कौन कौन सा ट्रायंगल मैं बोल रहा हूं, ट्रायंगल ए एम बी और ट्रायंगल, ट्रायंगल ए एम बी और ट्रायंगल डी एम सी, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। क्यों? क्योंकि इनके तीनों एंगल एक बराबर है। इन दोनों में एक एंगल अल्फा है, एक एंगल 90 माइनस अल्फा है और एक तीसरा एंगल 90 डिग्री। ओके, इस टाइप से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एम इक्वल टू, यहां पे मैं ऐसा कह सकता हूं एम बाई एम बी जो है वो क्या हो जाएगा, डीएम बाई सी एम हो जाएगा, डीएम बाई एम सी हो जाएगा। और देखिए है क्या, ए एम और एम सी एक बराबर हैं, ए एम और एम सी पहले से ही एक बराबर हैं, हम लोग ले चुके हैं। तो ये ए एम और एम सी हैं क्या, ए एम इक्वल टू एम सी इक्वल टू, ए एम क्या है, आर्क ए बी के बराबर है और ये एम सी के बराबर है, यानी कि ये सब के सब एल हैं, आर्क लेंथ एल है। ओके, तो मैं ये कर सकता हूं ए एम इन टू एम सी, मैं कर सकता हूं ए एम इन टू एम सी कर दिया और एम बी इन टू डी एम कर दिया, तो ए एम इंटू एम सी करने पे क्या हो गया, ये हो गया एल स्क्वायर हो गया। एम बी कितना है बताइए, एम बी कितना है, एम बी है ये यहां से लेके यहां तक मेरे पास क्या था, एम बी ये मेरे पास क्या था, ये था मेरे पास एम बी का मतलब क्या होता है, एम बी का मतलब होगा डेल्टा एच। ओके, डेल्टा एच बाई टू होगा। ओके, डेल्टा एच बाई टू हो जाएगा, एम बी हो जाएगा डेल्टा एच बाई टू, और डीएम क्या हो जाएगा, डीएम हो जाएगा, डीएम हो जाएगा टू आर माइनस में डेल्टा एच बाई टू। ओके, तो एल स्क्वायर होगा हमारे पास, ओपन करेंगे टू से टू कैंसिल होगा, आर डेल्टा एच माइनस में डेल्टा एच बाई टू का होल स्क्वायर, यानी कि पहले से मेरे पास एक डेल्टा एच है जो कि बहुत छोटा है, उसका मैंने हाफ किया और छोटा किया, उसका स्क्वायर किया और छोटा किया, मतलब कि ये चीज तो बहुत ही छोटी हो गई जिसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, जीरो हो जाएगा। तो एल स्क्वायर आता है मेरे पास आर डेल्टा एच, इट मींस आर्क लेंथ, यहां पर जो कॉन्टैक्ट लेंथ है, एल क्या हो जाता है, एल हो जाता है अंडर रूट में आर डेल्टा एच, कॉन्टैक्ट लेंथ, ये वर्क पीस इस रोलर के साथ कितनी लेंथ तक कॉन्टैक्ट में है, ये है आर डेल्टा एच। ओके, ये है आर डेल्टा एच। यहां पर आर क्या हुआ, आर हुआ रोलर का रेडियस, डेल्टा एच क्या हुआ, डेल्टा एच मतलब ये थी थिकनेस एच वन, और ये है थिकनेस एच टू, एच वन माइनस एच टू करने पर डेल्टा एच बनता है हमारे पास, एच वन माइनस एच टू करने पर डेल्टा एच बनता है, तो बस ये भी हो जाएगा। ओके, तो कर लीजिए इसको, देखिए अब यहीं पर फ्रेंड्स आप और आगे बढ़ोगे
तो यही आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो कंडीशन ऑफ सेफ एंट्री अगर आप देखें कि ये जो हमारा रोलर के साथ ये जो वर्क पीस है, ये वर्क पीस आसानी से एंट्री करता रहे, अगर आप इसे देखते हो तो देखो होता क्या है कि ये जब रोलर होता है, ये रोलर इस वर्क पीस पर, इस सेंट्रल पॉइंट पर, यहां पर एक फोर्स लगाता है, पी फोर्स लगाता है। इस पी फोर्स को क्या कहते हैं? पी फोर्स होता है रोल सेपरेटिंग फोर्स। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी? पी रिप्रेजेंट्स रोल सेपरेटिंग फोर्स। पी क्या है? पी है रोल सेपरेटिंग फोर्स। ओके, तो कंडीशन ऑफ सेफ एंट्री, और यहां पर म्यू क्या है? म्यू है फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन रोलर एंड वर्क पीस। ओके, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन रोलर एंड वर्क पीस। तो यहां पर कंडीशन ऑफ सेफ एंट्री क्या होगी माय डियर फ्रेंड्स? ये कुछ ऐसी होगी, म्यू पी कॉस थीटा मस्ट बी, अब यहां पे थीटा क्या है? थीटा ये जो आर्क लेंथ है ए बी, ये सेंटर पे ये जो एंगल बनाता है, यही एंगल होता है थीटा। एंगल ए ओ बी इक्वल टू थीटा, तो इसी का थीटा जो आप ले रहे हो, म्यू पी कॉस थीटा मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी साइन थीटा। तो यहां P से P कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा के डिवाइडेड में कॉस थीटा करो, तो ये कंडीशन ऑफ सेफ एंट्री क्या कहती है? कंडीशन ऑफ सेफ एंट्री कहती है कि म्यू मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू tan theta, ऐसा कुछ हमें पता चलता है। ओके, अब इसी में देखिए, ये जो हमारे पास ये जो रोलर बन रहा है, इसी रोलर में ये इतनी डिस्टेंस का हाफ जो है वो है आर, ये एंगल है थीटा, ये इतनी डिस्टेंस है एल, ये है आर, और ये क्या है? ये है आर माइनस में डेल्टा एच बाई टू। ओके, तो ये सब अलग अलग आ गए हमारे पास, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, अगर मैंने नेमिंग करा दिए, क्या ये है ए, ये है ओ, और ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है एम। ओके, तो यहां पर मैं ऐसा कुछ कह सकता हूं कि एक ट्रायंगल मिल रहा है, एक ट्रायंगल मिल रहा है जहां पर दिस इज थीटा, दिस इज आर, दिस इज एल, दिस वन इज आर माइनस डेल्टा एच बाई टू। ओके, इट इज ओ, इट इज एम, इट इज ए। ए एम ओ ट्रायंगल में
AMO ट्रायंगल में क्या हो रहा है, एल आर और आर माइनस डेल्टा एच बाई टू, ये तीन चीजें हमारे पास आ रही हैं। तो क्या होता है, हम लोग यहां पर क्या करते हैं, देखिए पहले तो आप लिख सकते हो इस ट्रायंगल के हिसाब से, आप लिख सकते हो कि साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा मतलब लेंथ अपॉन हाइपोटेनस, एल बाई आर, ओके। वही एक आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब आर माइनस डेल्टा एच बाई टू डिवाइडेड बाई आर, इन दोनों को डिवाइड करो, देखो क्या होगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा एल, तो क्या आया, ये हो गया टेन थीटा, क्या हो गया टेन थीटा हो गया एल डिवाइडेड बाई आर माइनस में डेल्टा एच बाई टू, ऐसा कुछ है, ओके। अब इस आर के सामने, आर के सामने डेल्टा एच ही पहले बहुत छोटा है और उसको भी हाफ कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो ये चीज नेगलेक्ट हो सकती है, जीरो हो सकती है, ओके। तो यहां से हमें कहानी मिल गई, टेन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा हो गया एल बाई आर, ओके। और L हम लोग पहले ही देख चुके हैं, R डेल्टा H अंडर रूट में, अंडर रूट में R डेल्टा H, ये डिवाइडेड बाय R। तो यहां से जब चीजें हमें कैंसिल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट में डेल्टा H बाय R, ओके। एक तो ये इक्वेशन वन मिल गया था, एक ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर टू, एक ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर थ्री। अब क्योंकि टेन थीटा आया डेल्टा एच बाई आर और म्यू होता है टेन थीटा के बराबर है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री वी कैन राइट दैट mu इक्वल टू डेल्टा एच बाई आर, वो भी अंडर रूट, और या फिर इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एच इक्वल टू देखिए फ्रेंड्स ये कर्सर सही चल नहीं रहा है अभी यहां पर, डेल्टा एच इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर, ये कर्सर बार बार धोखा दे जा रहा है फ्रेंड्स, अभी इसकी लगता है एज पूरी हो गई है। डेल्टा एच इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर, ये भी एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। तो रोलिंग में हमारे पास ये इतने सारे फॉर्मूलाज आ गए जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, और कई सारे न्यूमेरिकल्स इन फॉर्मूलाज के ऊपर पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर को बस यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लोगों को अगर हमारा प्लस का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना हो तो ये इसका प्रोसीजर दिया हुआ है, आप हमारा अनअकैडमी प्लस का unacademy.com पे जाएं और वहां पर प्लस वाले सेक्शन में जाएं, या फिर अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करें, वहां पर आप गेट ESC चूज करके अपना सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, अपना जैसा आपको सब्सक्रिप्शन लेना है उस पे आप जाएं, उसके बाद मेरा कोड सर्वेश 10 या फिर सर्वेश 11, इन दोनों में से एक ही कोड अप्लाई होगा, एक ही कोड अप्लाई होगा फ्रेंड्स, एंड नहीं है और है, एक ही कोड अप्लाई होगा और सर्वेश 10 या सर्वेश 11 पे आपको दोनों में से आप किसी पर भी जाए, इससे भी आपको 10% ही मिलता है, इससे भी 10% ही मिलता है, ओके। वैसे आप सर्वेश 10 को प्रिफर करें तो ज्यादा सही रहेगा, मैक्सिमम मेरे जो भी आते हैं ट्रांजेक्शन वो सर्विस 10 से ही आते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने जब इस पर क्लिक करेंगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ये जो गेट ESC जो एक साल का 25,000 रुपए का है वो 22,500 रुपए का हो जाएगा, ओके। तो 22,500 रुपए का आप पेमेंट चाहें तो डायरेक्टली आप अपने ATM कार्ड से कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पेटीएम वगैरह जैसे और भी कुछ UPI से कर सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो आप
बैंक से क्रेडिट कार्ड से आप लोन भी ले सकते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने की आप ईएमआई में ये लोन पे कर सकते हैं। अगर आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है गेट ईएससी का और 12 महीने की उसकी आप ईएमआई कराते हो तो मात्र 1875 रुपए पर मंथ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, सिर्फ 1875 रुपए में आपको इंडिया के बेस्ट टू बेस्ट टीचर से पढ़ने का मौका मिलता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे, वहां पर हम लोग नई चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।